टीम के कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने 29 जून को बारबाडोस में अपना परचम लहराया था। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर दूसरी बार T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। इस शानदार जीत के बाद BCCI ने 125 करोड़ रुपए का इनाम भारतीय टीम के लिए घोषित किया था। इस बात को लेकर कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि इस इनामी राशि को टीम के सदस्यों में किस तरह बांटा जाएगा, लेकिन अब एक रिपोर्ट में इसको लेकर खुलासा किया गया है। दरअसल BCCI ने जो 125 करोड़ रुपए की इनामी राशि का ऐलान किया था, उनमें से सबसे ज्यादा रुपए 15 सदस्यीय भारतीय टीम के खिलाड़ियों को मिले हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन 15 सदस्यीय खिलाड़ी में 3 ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें एक भी मैच में प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया था। इस रिपोर्ट की माने तो कप्तान रोहित शर्मा सहित टीम के 15 खिलाड़ियों को 5-5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसंग और युजवेंद्र चहल भी शामिल हैं, जिन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। वहीं हेड कोच राहुल द्रविड़, बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर, फील्डिंग कोच टी दिलीप और गेंदबाजी कोच पारस महामरे को 2.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट, थ्रो डाउन विशेषज्ञ और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच जैसे अन्य बैकरूम स्टाफ को 2-2 करोड़ रुपए दिए जाने की बात इस रिपोर्ट में कही गई है। आपको बता दें कि खिलाड़ी, कोच और सहायक स्टाफ के अलावा अजीत अगरकर के नेतृत्व वाली सीनियर चयन समिति तथा 4 रिजर्व खिलाड़ियों को भी इनाम में मोटा हिस्सा मिलेगा, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। इस रिपोर्ट की माने तो रिंकू सिंह, शुभमन गिल, आवेश खान और खलील अहमद के अलावा चयन समिति के 5 सदस्यों को 1-1 करोड़ रुपए इस इनामी राशि से मिलेंगे। इसके अलावा इनामी राशि को वीडियो एनालिस्ट और BCCI के स्टाफ सदस्यों में भी बांटा गया है। बता दें कि इस वैश्विक टूर्नामेंट के लिए भारत की तरफ से कुल 42 सदस्यों का दल भेजा गया था, और अब जो 125 करोड़ रुपए की राशि का ऐलान BCCI के द्वारा किया गया था, उसे एक रिपोर्ट में बताया गया है कि किस प्रकार से ये 125 करोड़ रुपए इस 42 सदस्यों के दल में बांटे जाएंगे।